हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है जेई मेंस 2021 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इवन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CL। तो ये जो है ना कि एथाइल साइनाइड मॉलिक्यूल्स है, और इसका आप देखिए पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, याद रखिएगा एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में आप थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हो, तो क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीन का एडिशन होगा। और थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि PDBaSO4 और हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो, तो आप रिडक्शन करवा रहे हो। ठीक है, अब ये तीन स्टेप मैकेनिज्म है, और थ्री स्टेप मैकेनिज्म के बाद आपको ये बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा ये बताइए आप। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे लेते हैं, हमारे पास क्या है, CH3 CH2 एंड CN। याद रखिएगा जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं कि जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, तो जब आप हीट करोगे और एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, प्रोपेनोइक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया बोलो बच्चों, ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद से आपने क्या किया, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया, किससे, SOCl2 से। तो SOCl2 का काम क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा देता है और यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जो है, सॉरी क्लोरीन एटम रिप्लेस कर देता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये थायोनिल क्लोराइड से आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, CH2CO, और यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगले स्टेप में आप देखोगे कि थर्ड रिएजेंट क्या है मेरा, PDBaSO4। यहाँ पे आप देखिए PDBaSO4 जो है ये भी मेरा क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ रही बात, क्या है बोलो बच्चों, PDBaSO4, और आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एसाइल क्लोराइड, ये जो आप ग्रुप दिख रहा है ना, ये ग्रुप को वो क्या कर देता है, एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है। किस में रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है। तो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, वो देखिए एल्डिहाइड। अब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो एसिड एनहाइड्राइड है, तो ये भी रॉन्ग। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में एल्कोहल है, ये भी रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन में हाइड्रोकार्बन का चांस ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन जो है ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।